Hello friends, good afternoon. We are from National E-Governance Division, Ministry of Electronics and IT. और आज हम उमंग के ऊपर चर्चा करेंगे, यूनिफाइड एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस. तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है, उमंग के मोबाइल एप्लीकेशन के क्या फायदे हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, और इस डिस्कशन के दौरान जो आपकी क्वेरीज होंगी वो भी हम उनको लाइव आंसर करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले मैं अपनी टीम का परिचय कराना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ नीरज कुमार, डायरेक्टर एट नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. टू द लेफ्ट इज मिस्टर अनिल अग्रवाल. हेलो. मिस्टर अमित कुमार. हाय. एंड मिस्टर संजय वरियानी. हेलो फ्रेंड्स. सो दिस टीम इज वर्किंग फॉर द उमंग प्रोजेक्ट फॉर लास्ट टू इयर्स. तो फ्रेंड्स, जो उमंग है उसका मतलब है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस. और इस प्रोजेक्ट को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया था, और सून आफ्टर इट्स लॉन्च फरवरी में इसको बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन का अवार्ड मिला फ्रॉम द यूएई गवर्नमेंट. और उसके बाद फिर अगस्त में आईडीसी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला, और एक साल के अंदर 23 नवंबर को 1 करोड़ जो डाउनलोड हैं यूजर्स इस पर हो गए हैं, और आज की डेट में इसमें करीब 70 डिपार्टमेंट की 325 सर्विसेज हैं और 17 स्टेट की सर्विसेज अवेलेबल हैं, एंड द काउंट इज गोइंग ऑन एंड मेनी मोर सर्विसेज विल कम सून देयर आफ्टर. तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये उमंग जो मोबाइल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है ये क्यों लॉन्च किया गया, इसका क्या फ़ायदा था. तो जैसे आप जानते हैं कि देश में ई गवर्नेंस शुरू हुआ, उसके बाद मोबाइल गवर्नेंस आया, और जो बहुत सारी हमारी मेजर सर्विसेज थी उनके बारे में एक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई. तो ये हमने देखा कि इंडिविजुअल जो सिटीजन हैं उनको बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने में और ढूंढने में दिक्कत हो रही है. तो हमने सोचा कि क्यों ना एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाए जिसके ज़रिए नॉट ओनली कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बट स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज, म्यूनिसपैलिटी की सर्विसेज, जो हमारी मेजर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो एक जगह पे प्रोवाइड की जाएं. तो इसीलिए जो मोटो था गवर्नमेंट का कि ईज ऑफ एक्सेस मिले और टू फास्ट ट्रैक द मोबाइल गवर्नेंस इन द कंट्री, उमंग को हम लेकर आए. और आज की डेट में उमंग में इतनी सारी सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंट है, तो यू कैन से कि इसमें जो पावर ऑफ टुगेदरनेस होती है कि एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बड़ी एप्लीकेशन भी हैं, बड़ी सर्विसेज भी हैं जो पॉपुलर हैं और जो लेस पॉपुलर हैं बट इम्पॉर्टेंट टू द सिटीजन. तो ये जो सिटीजन जो लेस इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती थी, जो वन टाइम यूज़ की होती थी, उनको डाउनलोड नहीं करते थे और उनको अपना प्रमोशन करने में दिक्कत होती थी, तो आज जब ये सारी सर्विसेज एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं तो सारी सर्विसेज जो हैं सिटीजन उनको अवेल कर सकते हैं, चाहे वो वन टाइम यूज़ हो या वीकली यूज़ हो या चाहे मंथली यूज़ हो. तो इस पावर ऑफ टुगेदरनेस से और इस यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन से जो है सबका फायदा है, सिटीजन्स का फायदा है. उनको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, और जो हमारे डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उनका फायदा है, क्योंकि अगर उनको अपनी एप्लीकेशन जो है सर्विसेज मोबाइल पर लेकर आनी है तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तुरंत उमंग से इंटीग्रेट कर लेते हैं. और देश का फायदा है क्योंकि बार बार हमें नई नई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनानी पड़ेंगी, और जो प्रमोशन होगा वो भी एक बार होगा, अलग अलग नहीं होगा. तो आज हम इसके बारे में बताएंगे. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उमंग मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं. तो हमारे कुलीग हैं मिस्टर संजय, वो आपको बताएंगे कि इसको कैसे डाउनलोड किया जाए. गुड आफ्टरनून. उमंग ऐप जो है वो मेजर प्ले स्टोर, मेजर ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, iOS, एंड्रॉयड और विंडोज़ पर. इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. आप 97183 और 97183 पे मिस कॉल भी दे सकते हैं. आपको एक SMS आएगा, उसमें लिंक आएगा जहाँ से आप, वो आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तीसरा, आप umang.gov.in जो उमंग की वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी आप QR कोड दे रखा है हमने, QR कोड स्कैन करके भी आप उमंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपना मोबाइल नंबर भी वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपको लिंक आएगा अगेन, वो आप उस पर जो SMS आएगा, उस पर जो लिंक होगा उस पर आप जाके उमंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. उमंग ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. हमने उसमें मोबाइल नंबर और OTP के बेस पर, हमने उसमें मोबाइल नंबर और OTP के बेस पर रजिस्ट्रेशन दिया, दे रखा है. एक बार अगर आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स भी उसमें जाके लिंक कर सकते हैं. एक बार लिंक कर लिया आपने तो आप सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू भी जाके वापस लॉगिन कर सकते हैं. इसके अलावा एक MPIN की फैसिलिटी भी है. MPIN जो कि एक मोबाइल पिन है जो कि सिर्फ आपको ही पता है, तो एक कन्वीनियंस के तौर पे दिया हुआ है ये कि आपको वापस कभी लॉगिन करना है तो आपको वापस OTP अगर आप नहीं चाहते बार बार एंटर करना तो आप MPIN जो आपने पहले दे रखा था उस MPIN को अगर आप डालेंगे तो उससे भी आप
लॉग इन पर कर सकते हैं। और एमपिन का ये भी फायदा हुआ कि अगर आपका मोबाइल कभी खो गया और उसमें आपको लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, आपका डाटा है उसमें, तो आपकी उमंग मोबाइल एप्लीकेशन जो है बिना मोबाइल पिन के नहीं खुलेगी और सेफ और सिक्योर रहेगी। दूसरा एक और फायदा है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोफाइल में आप डालते हैं या आपको कुछ चेंजेस करने हैं उसके अंदर, जो भी सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, यू कैन ओनली अपडेट दैट सिक्योर इन्फॉर्मेशन बाय एंटरिंग एमपिन। विदाउट एंटरिंग एमपिन यू कैन नॉट एडिट योर इन्फॉर्मेशन, एज वेल एज यू वांट टू डिलीट, कल आगे जाके अगर आपको कोई अकाउंट डिलीट करना है, कुछ करना है, वो भी आप एमपिन के जरिए ही कर सकते हैं। तो उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम है वो भी हमारे होम पेज पर अवेलेबल है, उसको देखा जा सकता है। और आगे उसमें डाउनलोड करने के क्या फायदे हैं, क्या फीचर्स हैं, वो मैं चाहूँगा हमारे मिस्टर अनिल अग्रवाल आपको बताएं। नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करने का और उमंग के बारे में जानकारी देने का एक बड़े सुंदर अवसर है। आइए हम जानते हैं कि उमंग के बारे में ये किस तरह से आपके हमारे लिए उपयोगी है, क्या सुविधाएं इसमें हैं और कितना आसान और कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। जैसा नीरज जी ने बताया, उमंग एक यूनिफाइड ऐप है जिसका साइज हार्डली 18 से 20 एमबी है, यानी एक एप्लीकेशन के बराबर। और आपको मल्टीपल डिफरेंट सर्विसेज के लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक उमंग मोबाइल डाउनलोड करके 18 से 20 एमबी आपकी मेमोरी खर्च होगी और आपको सैकड़ों सर्विसेज टिप्स के ऊपर मिल जाएंगी। अब सवाल आता है कि इन सेवाओं को, इतनी सारी सेवाओं में से आपको जो जरूरत की सेवा है, सर्विसेज को कैसे लोकेट किया जाए। सो उमंग का जो की फीचर है, जो प्राइमरी फीचर है, वो है सर्च एंड इंट्यूटिव डिस्कवरी। ऊपर दिए सर्च बार में आप रेलेवेंट कीवर्ड टाइप करिए और विद इन मिली सेकेंड्स और विद इन सेकेंड्स वेरी क्विकली आप अपने सर्विस पेज के ऊपर होंगे। और इसमें एक और फायदा यह है कि जैसा उन्होंने बताया 325 सर्विसेज हैं। अगर 325 सर्विसेज अलग अलग ऐप्स आपको यूज करनी हो तो उनका UI, UX, नेविगेशन यूज करने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है और हर बार एक लर्निंग कर्व होता है। उमंग में हमने सारा सभी सर्विसेज के लिए द नेविगेशन, यूजर इंटरफेस और सारे फीचर्स फंक्शनैलिटीज कंसिस्टेंट है, सिमिलर हैं। तो एक बार अगर आप उमंग ऐप किसी भी सेवा के लिए यूज करते हैं तो बाकी सारी सेवाएं आप बिल्कुल उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स लर्निंग कर्व इज ड्रास्टिकली शॉर्टहैंड। तो इसका मतलब यह है कि जो सिटीजन को 325 सर्विसेज में डायरेक्टली में जाके कौन सी सर्विस यूज करें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्च या जो कीवर्ड है उसी से वो सर्च कर सकते। बिल्कुल, हमने कोशिश की है कि जो भी सर्विस जिस जगह पर जिन जिन कीवर्ड से जानी जाती है वो सारे कीवर्ड्स में ऐड करने की कोशिश की है। और ये भी प्रोविजन रखा है कि डिपार्टमेंट्स अगर कोई डेफिशिएंसी, कोई कीवर्ड अगर मिस हो जाता है तो डिपार्टमेंट, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स सेल्फ केयर पोर्टल के थ्रू वो कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि यूजर जिस भी नाम से सर्विस जानता है अगर वो कीवर्ड डालेगा तो ही विल बी एबल टू रीच टू द राइट पेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसान के नाम से, फार्मर के नाम से या स्टूडेंट के नाम से सर्च करेगा तो उसको स्टूडेंट की सारी सर्विस मिल जाएंगी या फार्मर की सारी सर्विस। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, हमने इन सर्विसेज को कैटेगरी में भी सेग्रीगेट किया है तो सर्च को और आसान करने के लिए, जैसे फार्मर, एजुकेशन, हेल्थ, लाइकवाइज इनका लॉजिकल सेग्रीगेशन किया है टू रिड्यूस द डोमेन फॉर द सर्च। तो वो भी एक तरीका है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप आसानी से अपनी जरूरत की सर्विस तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, जो 13 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और जो 11 हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उन सब में भी उमंग अवेलेबल है। तो कोई भी जो हमारे स्टेट के जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक लोग हैं वो उसको, उमंग को उस लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो 13 लैंग्वेजेस की फैसिलिटीज है, हिंदी, इंग्लिश के अलावा 11 रीजनल लैंग्वेजेस, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपनी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें इंटीग्रेट करने के समय हमने डिफरेंट जो सर्विसेज को अवेल करने के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स थे उनको रिव्यू किया, ऑप्टिमाइज किया और सिंप्लीफाई किया, जो भी अनवांटेड फील्ड्स थे उनको हटाए और उनको एक प्रॉपर मैनर में डिफरेंट पेजेस के अंदर कॉन्फिगर किया ताकि कम से कम फील्ड की एंट्री करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकें। और इसमें एक और अच्छा फीचर यह है कि उमंग आपके द्वारा एंट्री की गई इन्फॉर्मेशन को याद रखता है, सेव करता है ताकि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स में उस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज कई बार मोबाइल पे होता है कि आप फॉर्म भर रहे हैं और कोई कॉल आ गया या कोई इंटरप्शन हो गया तो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लूज नहीं होगी, जब आप काम को रिज्यूम करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होगी। और इवन प्रीफिल, ऑटोफिल का फीचर भी इसमें हमने दिया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे डाउनलोड करने के बाद जब सपोज हमारे यूजर उसको यूज करते हैं उसके लिए भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि हमें उनके बताएं कि
जो जिन लोगों ने डाउनलोड भी कर ली है वो उसके फुल पोटेंशियल को कैसे यूज कर सकते हैं? थैंक यू सर। हाय एवरीवन, उमंग को डाउनलोड करने के बाद एक्चुअली चैलेंजेस ये थे कि इसमें प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी है। हमने बहुत सारे सर्विसेज इसके अंदर डाले हैं, तो हमारा ये उमंग एक्चुअली एग्रीगेशन ऐप है। तो एक दो चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सबसे शुरू में कि उमंग कोई ऐप स्टोर नहीं है। उमंग के अंदर सारे एप्लीकेशन और सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज जब भी हम सबमिट करते हैं या फेच करते हैं या अवेल करते हैं, ये डायरेक्ट उन डिपार्टमेंट्स के पास जाते हैं, रेलेवेंट डिपार्टमेंट के पास, जो ये सर्विस आपको देते हैं। और इन इतने सारे सर्विसेज होने के कारण हम लोगों को ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया, तो हमने इसको कस्टमाइज करने के लिए इसके अंदर फीचर्स दिए हैं। तो प्राइमरीली ये सर्च ओरिएंटेड है। सर्च ओरिएंटेड मतलब आप सर्च बार इसमें प्राइमरी फीचर देखेंगे, जिसके अंदर आप सर्च करके जो भी आपको चाहिए कीवर्ड्स हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं, और उस सर्च कीवर्ड के बेसिस पे आप अपने रेस्पेक्टिव सर्विसेज पे रीच कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम लोगों को ये भी पता है कि सब सारे लोग सारी सर्विसेज यूज़ नहीं करते। हर एक सिटीजन के लिए कोई कुछ सेट ऑफ सर्विसेज ज़्यादा रेलेवेंट होंगी, तो उस सेट ऑफ सर्विसेज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, फेवरेट कर सकते हैं। फेवरेट ऐसे कर सकते हैं कि एक दिल का आइकन बना होता है, हमारे जितने भी ऐप के टाइल्स आप देखेंगे उसको क्लिक करने पे वो आपके फेवरेट सेक्शन पे चला जाता है। और अगर आप बार बार फेवरेट सेक्शन पे जाना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स के अंदर जाके अपना डिफॉल्ट टैब चेंज कर सकते हैं, तो लैंडिंग टैब आपका फेवरेट्स हो जाएगा, तो हर बार आप फेवरेट्स पे लैंड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि स्टेट के सर्विसेज भी उमंग में, सेंट्रल स्टेट है, तो उसका डिस्टिंक्शन भी हमने क्लियरली लेआउट किया है ऐप के अंदर। आप सेंट्रल सर्विसेज भी देख सकते हैं और स्टेट भी देख सकते हैं। अगर आपको स्टेट सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने और बार बार करते हैं, तो आप स्टेट सर्विसेज को भी अपना डिफॉल्ट ऐप बना सकते हैं। उसके साथ में हम लोगों ने टू वे एंगेजमेंट रखा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वन वे डिस्बर्सल ऑफ इन्फॉर्मेशन है या फिर सर्विसेज है। आप हमारे को रीच आउट भी कर सकते हैं, आप हमें रेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल एप्लीकेशंस को रेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल सर्विसेज को रेट कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमारा स्टार आइकन दिखता है वहाँ पे जाके आप स्टार आइकन को क्लिक करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, उस पर्टिकुलर सर्विस को रेट कर सकते हैं। फिर दूसरी एंगेजमेंट के लिए एक और चीज़ हम करते हैं कि हम आपको नोटिफिकेशंस भेजते हैं रेगुलर बेसिस पे। ना ही सिर्फ वो नोटिफिकेशन जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, बल्कि प्रमोशनल एज वेल एज कोई नई सर्विस आने वाली हो या कुछ भी होने वाला हो, वो भी हम आपको रीच आउट करते हैं। तो उमंग से बंधे रहने के लिए बहुत सारे इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन है कि हम उमंग के साथ हमेशा जुड़े रहें। क्योंकि जो सरकार में बहुत हमें ये भी फीडबैक मिला बहुत बार कि बहुत सारी सर्विसेज ऐसे होते हैं कि जो उनको पता नहीं होता और पहली बार उमंग में देख के पता चला। दूसरी बात है कि हम एक्सेसिबिलिटी का भी फीचर ध्यान में रखते हैं, तो आइकन बेस्ड काफ़ी कुछ हम लोगों ने रखा है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से ही आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो लेस कैपेबल हैं, दे कैन आइडेंटिफाई यूजिंग आइकन्स एंड दे कैन ब्राउज थ्रू द ऐप्स, तो वो लोग आसानी से ऐप के थ्रू ब्राउज कर सकते हैं। दो चार चीज़ें हमने इसमें साथ में ऑलरेडी रखी है जो हाईलाइट करना चाहते हैं, बहुत लोग मिस करते हैं, कि हमें आप रेटिंग फीडबैक और रीच आउट करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म इस ऐप के अंदर दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने साथ में इसके साथ जोड़ दी हैं सीमलेसली, जैसे कि डिजी लॉकर जोड़ दिया है और लाइव चैट के फीचर्स जोड़े हुए हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आप उमंग ऐप को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी आइकन्स दिए हैं, आइकन्स आजकल कॉमन है, उमंग नेटिव ऐप है, तो जो आइकन्स है उसके मीनिंग्स बिल्कुल सिमिलर है। अगर बेल आइकन है तो नोटिफिकेशन के लिए, अगर फनल जैसा आइकन है तो फिल्टर के लिए, जिसमें आप कैटेगरी के देख सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अमित ने प्रमोशनल मैसेजेस की बात की, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस का डिपार्टमेंट का प्रमोशनल मैसेजेस आप देखना चाहते हैं, आप सेलेक्टिवली ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई नई सेवा ऐड करते हैं तो इन ऐप नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। और नीरज जी ने जैसा बताया आने वाले समय में 700-800 सर्विसेज और ऐड होंगी और कंटिन्यूसली ऐड हो रही हैं, तो इसको इंस्टॉल रखें। अनइंस्टॉल करने से आप नई सर्विसेज की जानकारी से वंचित रहेंगे। इंस्टॉल रखें ताकि हो सकता है आज आपके लिए ज़्यादा सर्विसेज रेलेवेंट ना हो, बट बहुत ही जल्दी आपकी रेलेवेंट की सर्विसेज भी आएंगी और आपको प्रोएक्टिवली पता लगेगा हमारे ओर से। तो इन द मीन टाइम डिस्कशन के दौरान हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द दिव्यांग पीपल कैन यूज इट। सो आई वुड लाइक टू आंसर दैट वी आर यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस असिस्टेंट टू बेसिकली केटर टू दोज पीपल हु आर दिव्यांग। सो दिस वॉइस असिस्टेंट, थ्रू दिस वॉइस असिस्टेंट दिस दिव्यांग पीपल विल बी एबल टू स्पीक इन टू द मोबाइल and this will go into a toll free number and we are doing the POC and through this POC we will see what is the effectiveness and which kind of services can be provided. But this AI based voice assistant service is targeted to provide services to such people or who are not having a smartphone or who are having feature phone, who cannot read and write and who can only speak.
because we know that there is a large number of people who want to use this kind of service, so we are actively working on it. एक सवाल इसमें किसी ने मिस्टर शंकर कामराज ने पूछा है तमिलनाडु सर्विसेज के बारे में तो हम आपको बताना चाहेंगे कि तीन सर्विसेज तमिलनाडु की ऑलरेडी लाइव हैं और ओके आई एम सॉरी सो अबाउट थ्री सर्विसेज आर ऑलरेडी लाइव फॉर तमिलनाडु एंड ऑन अनदर 20 प्लस सर्विसेज द वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड शॉर्टली इन कपल ऑफ वीक्स और फ्यू मंथ्स यू विल हैव मोर एंड मोर सर्विसेज कमिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु ऑल्सो सर्विसेज के बारे में किस बताना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज हमारा एवरी डे इवॉल्व कर रहा है एक्चुअली ये स्टैटिक ऐप नहीं है हमारा हम इसमें फीचर्स भी ऐड करते रहते हैं और सर्विसेज जैसे जैसे ऑनबोर्ड होते रहते हैं बहुत सारे सर्विसेज हमारे पाइपलाइन में जैसे जैसे ऑनबोर्ड होते रहते हैं वैसे वैसे हम ऐड करते रहते हैं हम डिपार्टमेंट के साथ कॉन्स्टेंट कंसल्टेशन में रहते हैं डिपार्टमेंट जैसे हमें सर्विस प्रोवाइड करता है वैसे ही हम लोग कर देते हैं और डिमांड के बारे में अगर नीरज सर बताएंगे कि अगर इस तरह की डिमांड्स आती हैं कि यस So, I will inform at the end of the discussion where you can request if you want a service from a particular state or a particular service, you can send us an email. But just to continue the discussion, we are continuously getting a lot of questions and we are trying to answer that. First question is, why don't you bring the election commission services, voter ID services? So, to this I would like to answer that we are in continuous touch with the election commission department and as soon as we give their permission, we will bring that service on UMANG. और एक पासपोर्ट एप्लीकेशन के ऊपर मिस्टर अंकित श्रीवास्तव का क्वेश्चन है सवाल है तो पासपोर्ट सर्विसेज ऑलरेडी उमंग में है आज की तारीख में आप एप्लीकेशन यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हैं बट अदरवाइज एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि क्या फीस है क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके थ्रू ले सकते हैं और हो सकता है नियर फ्यूचर के अंदर हम एप्लीकेशन की सुविधा भी प्रोवाइड करें बट आज की तारीख में एप्लीकेशन की सुविधा इसमें नहीं है मिस्टर संदीप पाटिल इज आस्किंग फॉर द लोगो सो मिस्टर संदीप यू कैन सी ऑन आवर वेबसाइट लोगो इज अवेलेबल देयर एंड एक्चुअली वी आर गेटिंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी सो वी विल ट्राई टू आंसर इफ द क्वेश्चन इज इन इंग्लिश वी विल आंसर इन इंग्लिश और अगर क्वेश्चन हिंदी में है तो हम हिंदी में आंसर करेंगे एक हमारे ये हैं मिस्टर धर्मराज कुमार इन्होंने पूछा है कि प्लीज ऐड बिहार स्टेट ऑल्सो एंड ऑल इट्स गवर्नमेंट सर्विसेज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम बिहार गवर्नमेंट से टच में हैं और जो भी सर्विसेज उनकी ऑनलाइन होंगी उनको हम उमंग मोबाइल ऐप में लाने की कोशिश करेंगे इसी तरह से सर एमपी और जेएन के लिए भी सवाल क्वेश्चंस हैं सो एज फॉर बिहार जेएन के गवर्नमेंट ऑल्सो वी आर इन डायलॉग और बहुत जल्दी जेएन के की सर्विसेज भी इस पर आएंगी जहां तक एमपी का सवाल है एमपी की सर्विसेज ऑलरेडी लाइव है बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी लाइव है उमंग के ऊपर और फर्दर सर्विसेज वी आर कंटिन्यूसली एडिंग सो यू विल सी मोर एंड मोर सर्विसेज कमिंग इन कमिंग डेज मिस्टर अखिलेश गोयल है इन्होंने लिखा है इफ वी वांट टू इंटीग्रेट सर्विसेज वेयर पेमेंट्स आर इन्वॉल्व विल उमंग प्रोवाइड द पेमेंट गेटवे इफ यस हाउ रिकंसिलिएशन विल बी डन सो आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर अमित टू आंसर दिस हां अगर इफ मिस्टर अखिलेश इज अ डिपार्टमेंट यूजर then we say that we already have a very payment modules developed in UMANG where we have all these reconciliation mechanisms set up whatever transactions are being generated through UMANG we prepare a report and share with the department on a daily basis even we have a complete set of robust MIS and other related things and we work in a fashion the payment gateway works so we can integrate in two ways we provide payment gateway also through PayGov of Ministry of Electronics and IT And second thing is, if you have your own payment gateway, we can integrate with you and we can have that payments enabled through your payment gateway. Mr. Animesh from Jharkhand is asking about the services from Jharkhand, so you can also intimate about that. Yeah, so Jharkhand, there is a NIC platform service plus, which is we are trying to integrate with it. Once we integrate with service plus platform, so all the Jharkhand services which are enabled through service plus will come there. Initially, we are trying to bring G2C, government to citizen services. And we'll bring those services initially. Mr. Raj Kiran Devra is asking, is there any grievance service for taxpayer in UMANG? So I would like to answer that there is a CP Grams portal, centralized public grievance portal, jo website hua karti thi, that we have integrated in UMANG. So not only on PAN, but for any government service, any department, you can make a complaint there and that is available on UMANG. So to proceed further, in the meantime, we are getting some queries. We will also inform what are the services for pensioners, pension schemes and Jeevan Praman. Maybe I will request Sanjay to briefly intimate about it. So pensioners के लिए हमारी जो services हैं उसमें एक प्रमुख जीवन प्रमाण है तो जीवन प्रमाण में आप online digital life certificate generate कर सकते हैं
और इसके द्वारा आप जनरेट करने के बाद अपनी जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है उसको अपना अकाउंट नंबर डाल के और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आप बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करके, जिसके बारे में जानकारी आपको दूंगा थोड़ी देर में, वो कनेक्ट करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। तो जीवन प्रमाण ऐप यूज़ करने के लिए आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस है, मैं आपको दिखा देता हूँ बायोमेट्रिक डिवाइस पास आके, ये एक बायोमेट्रिक डिवाइस है। कोई भी UIDAI अप्रूव्ड बायोमेट्रिक डिवाइस आप अपनी मोबाइल ऐप पे कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल हैंडसेट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, OSB UTG सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो पावर दे सके इस पर्टिकुलर डिवाइस को। और जिन जिन डिवाइसेस पे हमने टेस्ट करा हुआ है उसकी लिस्ट ऑलरेडी उसके लैंडिंग पेज होम पेज पे जीवन प्रमाण के अवेलेबल है। इसको कनेक्ट करने के बाद अपना डिवाइस आप सेलेक्ट करके, जो भी डिवाइस आपको दिखता है, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट जो है मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 2,000 से 3,000 रुपये है। तो ये कन्वीनियंस के थ्रू के तरह आपको दिया गया है ताकि आप घर बैठे बिना कहीं जाए बैंक ऑफिस या पोस्ट ऑफिस जाके, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाके आप इसको यूज़ करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को। इसके अलावा इसमें नेशनल NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो अभी कुछ सालों पहले ही सेक्शन 80CCD के थ्रू इसमें एग्जेम्प्टेड हो गया, जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करेंगे मैक्सिमम 50,000। तो इसमें आप इसके थ्रू जाके अपना प्रान नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के जो आपका है अपना कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि आपके क्या कंट्रीब्यूशन है, अपनी अकाउंट की होल्डिंग देख सकते हैं, अपने एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक DOPPW की सर्विस है, जिसमें कि उनका कितना अमाउंट सेंक्शन हुआ है, उनकी क्या पेमेंट डिटेल्स है, वो भी आप इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। संजय, ये एक क्वेरी आ रही है कि ये जो हमारा व्हीकल से रिलेटेड सर्विसेज हैं, ये भी क्या अवेलेबल है? तो व्हीकल जो जितनी भी व्हीकल रिलेटेड सर्विस है उसको हम वाहन सर्विस, ऑफ व्हीकल, वाहन सर्विस बोलते हैं। ये मिस्टर मनीष चक्कर है, चाहर। सो मिस्टर मनीष, बेसिकली हम लोग वाहन परिवहन पोर्टल से हमारा इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी कमर्शियल व्हीकल्स की सर्विसेज ऑलरेडी वाहन जो एप्लीकेशन है उसमें आ चुकी है, जिसमें आप पे टैक्स कर सकते हैं और फिटनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ स्टेट के लिए आई है, पर स्लोली स्लोली सब स्टेट्स के लिए आएगी। और RC वाली सर्विस अभी हम इन प्रोसेस हैं, जिसका हमारा इंटीग्रेशन अभी NIC के साथ चल रहा है। So, there is Mr. Animesh Kumar, he is asking PF लेने का टाइम रिड्यूस हो सकता है क्या? And Kiran Mani is asking more EPF services such as PF transfer claim etc. may also be integrated to UMANG. So these services are already available. I will request Amish to further intimate about. नहीं, कुछ चीज़ें हम लोग क्लैरिफाई कर देते हैं कि कुछ चीज़ें जो सर्विसेज हैं डिपार्टमेंट को उमंग पे आने के लिए, इवन ऑनलाइन जाने के लिए इनिशियल बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है उनको, अपना एंटरप्राइज जो भी एप्लीकेशन उसमें चेंजेस लाने पड़ती है, क्योंकि उनके पुराने लेगेसी एप्लीकेशन से उनको भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हम जब उनसे बात करते हैं और उमंग के साथ उनके साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिविटी चालू कर देते हैं। जो सर्विसेज रेडी होती है एज एंड वेन, हम लोग जैसे अभी व्यू पासबुक रेस क्लेम ये सारी सर्विसेज PF की हैं वो हम ले आए और ये फीडबैक की तरह पे हम लोग पास ऑन करते हैं और वो उस पर वर्क करते हैं और हमारी बात ऑलरेडी चल रही है जिसके अंदर हम लेके आएंगे। ये पाइपलाइन में 2-3 सर्विसेज हैं जो इस तरह के UN मर्जिंग है ट्रांसफर वाली चीजें हैं। तो एज धीरे धीरे जैसे हम इवॉल्व करेंगे कमिंग टाइम में ये डेफिनेटली आएंगे। इसके अलावा जैसे अनूप कुमार सिंह है, बालू राज है, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सर्विस आ सकती है, क्या वो सर्विस आ सकती है। तो मैं एक इसका जनरल आंसर करना चाहूंगा कि हमारी जो 325 सर्विस ऑलरेडी आ चुकी हैं और हम इसको 500 पे ले जाना चाहते हैं 31 मार्च तक और अगले 1 से 2 साल में 1200 ले जाना चाहते हैं। तो हम बहुत से डिपार्टमेंट बहुत सारे स्टेट के साथ काम कर रहे हैं। तो आई विल गिव ए जनरल रिप्लाई, जैसे J&K के बारे में कोई पूछ रहा है, राजस्थान के बारे में कोई पूछ रहा है, तो हम पैरेलली बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमें उस डिपार्टमेंट का अप्रूवल मिलेगा वो सर्विस इस पे आती जाएंगी। क्योंकि आपको ये हमें बताना चाहते हैं कि जो उमंग प्लेटफॉर्म है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, सबका अपना इंडिपेंडेंस है कि कौन सी सर्विस कौन से प्लेटफॉर्म से देना है और टेक्निकल क्या फिजिबिलिटी है, तो और इसको इंटीग्रेट करने में भी समय लगता है। तो धीरे धीरे जो हमारा टारगेट है सबको लेके आने का है। सो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि जब ये सारे स्टेट की सर्विसेज हम ले आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बाकी डिपार्टमेंट रह गए हैं उसको भी हम लेकर आएंगे। एक सवाल है मालविका दास जी का कि उमंग का ऐप का साइज क्या है? सो आई थिंक वी हैव मेंशनड इन द बिगनिंग द ऐप साइज इज अराउंड 18 MB। सो जस्ट दिस साइज ऑफ ए सिंगल ऐप।
So with single app Umang, single app size Umang, you can avail hundreds of services as of now. एक ये मिस्टर हरिकृष्णा बेरंगी हैं, he is asking how many times we can withdraw or claim online because I have withdrawn 5 or 6 times online due to emergency but now it is showing limit is exceeded. Please submit physical form. Please suggest. So I will basically like to advise these people that we are bringing the services of each department to Umang portal. But the rules or permissions is to be given by the concerned department. So we can only bring the, what is available online, what can be done basically. If you have further query, because the concerned department only knows what are the rules and regulations. So in this case of a specific query, you will have to approach the concerned department only. What we do is we take on all these queries, we facilitate talking with the departments, and we have taken these queries further to EPFO also. All such queries we take it up. अभी रिसेंटली हम लोगों ने उनको पूरे प्ले स्टोर के सारे जो भी ईपीएफओ से रिलेटेड इश्यूज हैं प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ शेयर किया. हमारी रेगुलर मीटिंग होती है तो हम सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ इनपुट ले रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं और ईपी डिपार्टमेंट के साथ में बात करते हैं और वो उसको टेकअप करते हैं. रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे फीडबैक्स और जो यूजर फीडबैक्स उनको उन्होंने रिजॉल्व किया है. मिस्टर राज किरण देवरा ही इज आस्किंग कैन वी कस्टमाइज द ऐप इफ इट इज 325 वी मे नॉट यूज ऑल द सर्विसेज सो हाउ यू विल रिस्पॉन्ड. कस्टमाइज करने के तरीके हैं, आप उसमें से फेवरेट कर सकते हैं. अगर आप रिसेंट अगर हर एक ही ऐप पे बार बार जाते हैं तो आपके रिसेंटली व्यूड में सबसे ऊपर जो हमने रो दिया है उसमें वही टाइल्स दिखेंगे जिसपे आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं और रिसेंटली विजिट किया है. और दूसरा तरीका है कि आप अगर चाहिए तो सर्च कर सकते हैं. नहीं, इसकी ब्यूटी यही है कि अगर 1200 सर्विसेज एक ही ऐप के अंदर इंटीग्रेट करना है तो वो सर्विसेज उतनी सारी रहेंगी. बट देर आर वेज एंड मीन्स, जैसा अमित ने बताया था अभी कि आप फेवरेट मार्क करके देयर इज अ सेपरेट फेवरेट टैब इन द टॉप और उस फेवरेट टैब को आप डिफॉल्ट लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं. सो इतना अगर आप करते हैं, इफ यू डू दिस मच, सो प्रैक्टिकली दैट ऐप गेट्स कस्टमाइज्ड टू योर रिक्वायरमेंट. यू विल ऑलवेज सी द 5, 10, 15, 20 व्हाटएवर नंबर ऑफ सर्विसेज और एप्स यू आर फेवरेटिंग, वही आपको दिखाई देंगे. सो दैट वे इट कैन बी कस्टमाइज्ड. और सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द स्टेट ऑल्सो. अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के हैं और स्टेट की सर्विसेज ज्यादा यूज करते हैं तो उस स्टेट के टैब को अपना डिफॉल्ट लैंडिंग पेज बना सकते हैं. तो एवरी टाइम यू विल लैंड ऑन दैट ओनली. दीपांशु श्रीवास्तव इज अप्रिशिएटिंग उमंग मोबाइल ऐप, सो थैंक यू दीपांशु. मिस्टर दीपेंद्र मिश्रा ही इज आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल में सबमिट नहीं शो हो रहा है, प्लीज रिप्लाई. सो आई विल बेसिकली respond to this gentleman that specific queries to you, we can take it offline because this is a public show, so we are responding to general queries. Yeah, so you can call our customer care toll free number 1-800-115-2246. नहीं, let me take this opportunity कि इसमें सुबह 8 से रात को 8 बजे तक रोजाना आपको support की सुविधा है. You can call a toll free number 1-800-115-2246 to get support on IVR or through agent. और उमंग ऐप के अंदर चैट की फैसिलिटी भी है, यू कैन चैट विद द एजेंट और यू कैन ईमेल योर कंसर्न्स. बट अगर आप कस्टमर केयर के थ्रू अपनी स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ में कंप्लेन करेंगे तो रिजोल्यूशन फास्ट होगा. मिस्टर मनोज कुमार साहू इज आस्किंग, सर गुड इवनिंग, इन उमंग ऐप दैट ESIC पोर्टल नॉट वर्किंग ऑन माई ऐप. सो अमित, कैन यू इंटीमेट दैट वॉट आर द सर्विसेज इन ESIC एंड वॉट हाउ इज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. या ESIC में लॉग इन बेस्ड सर्विस है जिसमें IP नंबर देना पड़ता है और आपके लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आता है. अगर काम नहीं कर रहा तो मुझे मोस्ट प्रॉब्ली लगता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके IP नंबर से लिंक नहीं होगा, जो आपको अपने एम्प्लॉयर के थ्रू कराना चाहिए. और इसके अंदर अगर आप देखेंगे सर्विसेज, हमने सारे आपके मेंबर के डिटेल्स दिए हुए हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके डिटेल्स सही हैं नहीं है सारे मेंबर्स के. फिर आपके जो बेनिफिट्स के एंटाइटलमेंट्स हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है उस IP के, उसके बारे में बताया हुआ है उसके अंदर में. फिर आप क्लेम जो करते हैं क्लेम के स्टेटस जान सकते हैं, आप नियरेस्ट ESIC सेंटर्स जान सकते हैं, आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मंथली वो आप चेक कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ESIC में. उसके अलावा आप ये जो सेंटर्स है उसके लोकेशन भी देख सकते हैं और मैप के थ्रू वहाँ से नेविगेट करके जा भी सकते हैं. तो जो हमारी जो उमंग ऐप है इसमें 325 सर्विसेज हैं, इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है. स्टूडेंट के लिए बहुत सारी सर्विसेज हैं, हमारे किसानों के लिए बहुत सारी सर्विसेज हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हैं. तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि संजय जी आप ये बताएं कि किसानों के लिए क्या सर्विसेज में अवेलेबल. जी, किसान भाइयों के लिए प्रमुख तौर पर हमारे यहाँ पर उमंग ऐप पे अभी किसान सुविधा है. किसान सुविधा के थ्रू एग्रीकल्चर एडवाइस उनको मिलती है. इसके अलावा जो भी
डीलर्स हैं, डीलर्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स के, फर्टिलाइजर्स के, सीड के, फार्म मशीनरी के, उन सब की जानकारी उनको वहाँ मिलती है। उन एरिया पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, वो उन पे किसान भाई उन पे कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग भी है, जिसमें कि आप कोई भी अगर वेदर कोई आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, क्या टेम्परेचर रहेगा, वो सब इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर किसान सुविधा के थ्रू मिलती है। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड है, जिन किसान भाइयों के सैंपल कलेक्ट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उसका जो सॉइल है उसका जो एनालिसिस किया गया, उसको क्या पोषक तत्व चाहिए, क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या फर्टिलाइजर खाद डालनी चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन भी आप इसके द्वारा उमंग ऐप पे आपको रेडिली मिल सकती है। इसके अलावा इसमें एग मार्केट सर्विस है, एग मार्केट जो है आपकी नियर बाय मंडी की जो कमोडिटीज़ हैं उसके बारे में, उनकी क्या प्राइस चल रही है वो जानकारी दे सकता है। आप किसी भी एरिया की, किसी भी जगह की, आप लेट्स से कि आपको कहीं और की पता करनी कि वहाँ मंडी प्राइसेस क्या चल रही हैं किसी कमोडिटी की, आप वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक सेवा और है एम किसान। एम किसान बेसिकली कोई भी किसान भाई अपने प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस है उसको बाय या सेल कर सकता है। एक तरह का काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है जिसमें बायर्स की भी लिस्टिंग है, बायर्स क्या बेचना चाहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो इसमें चार तरह से चीज़ें वो लोग बेच सकते हैं, जैसे कि फिशरीज हुई, एनिमल प्रोड्यूस हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, और एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं, दाल हुआ, मिलेट्स हुआ, इन सब की जानकारी वहाँ पर किस रेट पे बेचना चाहते हैं, किस रेट पे खरीदना चाहते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन इस एम किसान ऐप के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा भी हमने एक ई पशु हाट सर्विस संजय अभी लॉन्च की है, तो उस ई पशु हाट सर्विस में क्या है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की है और किसानों को क्या फायदा हो सकता है? तो ई पशु हाट जो एप्लीकेशन हमने अभी कुछ दिनों पहले ही ऑनबोर्ड करी है, ये एक तरह का मार्केट प्लेस है लाइव एनिमल्स के लिए। मार्केट प्लेस का मतलब ये है कि कोई भी किसान भाई इनफैक्ट अपने जो कैटल है, अपना काऊ है, बफेलो है, वो जाके वहाँ पे लिस्ट कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि वो किस ब्रीड का है, उसकी उम्र क्या है, और वो किस प्राइस पे उसको बेचना चाहता है। उस किसान भाई की का नंबर भी होता है, किसी और को वो अगर वो इंटरेस्ट लगता है तो वो जाके वहाँ पे देख सकता है और उस किसान भाई से कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, या इसमें जरा एक दिखाइए, क्योंकि ये सर्विस अभी बहुत पॉपुलर हो रही है और जो हमारे अर्बन यूथ हैं उनको भी एक जो एनिमल हस्बेंड्री की सर्विसेज जो हम रूरल एरिया में देते हैं उनका भी एक फील मिल जाएगा कि किस प्रकार से हम उसमें जो हमारे फ्रोजन एम्ब्रायोज हैं, फ्रोजन सीमेन हैं, जो लाइव एनिमल्स हैं उनकी फोटो अवेलेबल है, उनकी टैगिंग अवेलेबल है और किस प्रकार से उनकी खरीद फरोख्त हो सकती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो इसमें ये सब कुछ वेरीफाइड है, जो ये सब उनकी टैगिंग हो रखी है गवर्नमेंट के द्वारा, ये वेरीफाइड एनिमल्स हैं। इसमें आप दो एनिमल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं उनकी डिफरेंट पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा। ये एक पर्टिकुलर एनिमल है, अगर ये दिख रहा है आपको, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी है इसके अंदर और ये पूरी लिस्टिंग है। पीछे जाके अगर पीछे जाएंगे हम, ये पूरी सारे एनिमल्स जो जिस पर्टिकुलर एरिया में आप सर्च करना चाहते हैं वो एरिया डाल सकते हैं और इसमें जो जो एनिमल्स जहाँ जहाँ जो मौजूद है उन सबकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें अवेलेबल है। वन यूजर इज आस्किंग, इज इट मैंडेटरी टू लिंक माय आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन? ये फैसिलिटी पहले उमंग में थी, अभी वो उमंग में हमने वर्चुअल आईडी जो है, जो यूआईडी का नया कंसेप्ट आया है उसके चलते तहत अभी कुछ टाइम के लिए हमने वो मैंडेटरी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है और प्रॉब्ली आगे तो आधार की इंफॉर्मेशन अभी आधार डालना इसमें मैंडेटरी नहीं है, बिना आधार डाले आप कोई भी सर्विस उमंग पे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें उमंग में बहुत सारी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी की सर्विसेज हैं, सीबीएसई की सर्विसेज हैं, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो एआईसीटीई की हमारी सर्विसेज हैं जिसमें कि 14,000 हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अप्रूवल के बारे में, सपोज आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है तो उससे पूछ उसका पता कर सकते हैं। स्टूडेंट के ऊपर हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें कि करीब 1 करोड़ ऑडियो वीडियो हैं और उसमें सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। जो स्वयं है उसमें जो डीटीएच के थ्रू लेक्चर दिए जा रहे हैं वो सर्विस अवेलेबल है। कुछ सर्विसेज हेल्थ की भी हैं जैसे कि फार्मा सही दाम है जिसके जरिए आप जो हमारी दवाइयां हैं उनका अल्टरनेटिव मेडिसिन और उसका प्राइस देख सकते हैं। ई रक्त कोष से आप ब्लड की अवेलेबिलिटी के बारे में देख सकते हैं और जो हमारा ओआरएस सिस्टम है इससे आप किसी भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें बुकिंग करा सकते हैं। तो एक ही सवाल पूछा था स्पोर्ट्स के लिए, दीपक शर्मा जी पूछे थे स्पोर्ट्स की कोई सर्विसेज है क्या, तो जस्ट एक क्लेरिफाई करेंगे कि ये जो पोर्टल है गवर्नमेंट की सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए फोकस्ड है प्राइमरली, तो स्पोर्ट्स की अगर कोई सर्विस ऐसी होगी जो सरकार की ओर से
आम देशवासियों के लिए सिटीजन सेंट्रिक कोई सर्विस होगी तो उसको जरूर हम लेके आएंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सुझाव हो तो वो हमें दे सकते हैं, जो हमारा सपोर्ट का कस्टमर केयर का ईमेल आईडी है। और एक और सवाल आ रहा है जिसके पर पूछा है कि उमंग और सीएससी में क्या डिफरेंस है। सो प्रोबेबली द डिफरेंस इज सिंपल, उमंग जो है 24/7 एनी टाइम एनी वेयर पर्सनल हेल्प काइंड ऑफ ए प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप खुद से इन 325 और आने वाले समय में 1000 से ज़्यादा सर्विसेज को खुद घर बैठे कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि सीएससी जो है वो एक असिस्टेड मॉडल है, जहां पर एक आपको सीएससी केंद्र में जाना पड़ता है किसी भी सेवा को लेने के लिए, और वहां पर सीएससी सेंटर में जो हमारे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं उस सेवा को दिलवाने के लिए। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं। जो लोग किसी का असिस्टेंस के थ्रू सर्विस देना चाहते हैं वो सीएससी पे जा सकते हैं, जिनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है घर बैठे सर्विस देना चाहते हैं वो अपने घर बैठे इससे सर्विस से ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कि इज इट अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश, सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इट इज अवेलेबल इन 13 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड ऑल द लिस्ट ऑफ द सर्विसेज इज अवेलेबल इन द उमंग मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली। एक सवाल और भी आया, वेरी गुड विजयानंद मोहंती है, वेरी गुड इनिशिएटिव, जस्ट वांट टू नो कैन आई अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस थ्रू दिस ऐप। तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए नहीं है, सब्सिक्वेंटली आएगी सर्विसेज, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आप फेच कर सकते हैं। डिजी लॉकर के साथ हमारा इंटीग्रेशन है, सीमलेस इंटीग्रेशन। एक बार उमंग के थ्रू अगर आप डिजी लॉकर पे लॉग इन करते हैं तो हमेशा लॉग्ड इन रहते हैं, वहां से जो भी गवर्नमेंट के इशूड डॉक्यूमेंट्स है और जो आपके खुद के अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे फेच कर सकते हैं। सिर्फ फेच करके देख ही नहीं सकते आप, हम जो भी हम फॉर्म्स इसके अंदर देते हैं सर्विसेज अप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इनकम सर्टिफिकेट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो आप वहां से URIs भी शेयर कर सकते हैं डिजी लॉकर से डायरेक्टली यहाँ पे यूज करके, और अपलोड भी कर सकते हैं। और कल को अगर सर्विस, अभी इमीडिएटली ये लाइव नहीं है, लेकिन अगर सर्विस कल को डिलीवर होती है, आपको सर्टिफिकेट डिलीवर करना है गवर्नमेंट को, तो आपके पास डिजी लॉकर में इशू डॉक्यूमेंट की तरह आएगा और नोटिफिकेशन आपको उमंग के थ्रू मिल जाएगा। एक सवाल इसमें है कंटेंट के ऊपर, सो व्हेन वी से उमंग अवेलेबल इन 13 लैंग्वेजेस, इट इज रिलेटेड टू जो भी उसके लेबल्स हैं या फॉर्म्स हैं वो 13 लैंग्वेजेस में हैं, बट कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। सो कंटेंट का जो लैंग्वेज है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय व्हाटएवर लैंग्वेज दैट कंटेंट इज इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, उसी में रिस्ट्रिक्ट होगा। तो हो सकता है कंटेंट आपको 13 लैंग्वेज में ना मिले अगर कंटेंट स्पेसिफिक देख रहे हैं तो, बट जो लेबल्स हैं जो फॉर्म्स हैं वो मल्टीलिंगुअल हैं। लेबल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी फॉर्म में अगर आपको नाम पूछा जाता है या डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है तो वो बेसिकली मल्टीलिंगुअल है, नेम की जगह आपका वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज है उसमें आ जाएगा वो। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि क्या मैं इसे अप्लाई करके अपना आधार कार्ड को अमेंड कर सकता हूँ। तो इसकी जो सर्विस है वो उसके लिए UIDAI की अलग एप्लीकेशन है एम आधार, वो उसके जरिए होगा और एम आधार का लिंक आपको उमंग की डायरेक्टरी सर्विस में मिल जाएगा। इसके अलावा उमंग और डिजी लॉकर भी इंटीग्रेटेड है, तो डिजी लॉकर को किस प्रकार से उमंग से यूज किया जा सकता है तो अमित उसके बारे में बताइए। उमंग को डिजी लॉकर, हाँ, कि डिजी लॉकर का क्या फायदा है, कैसे उमंग से उसको लिवरेज कर सकते हैं। हाँ, अभी मैंने बताया था डिजी लॉकर के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप उमंग में आके अगर आप उसके मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पे डिजी लॉकर का ऑप्शन है। डिजी लॉकर में जाके एक बार वन टाइम लॉग इन करना पड़ेगा डिजी लॉकर के अंदर, उसमें आपका जो भी डिजी लॉकर अकाउंट है, या तो आपका अकाउंट होगा या आप क्रिएट करेंगे, तो आपके डिजी लॉकर अकाउंट में जो भी आपके गवर्नमेंट द्वारा इशूड डॉक्यूमेंट्स है या आपके खुद के अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे दिखेंगे आपको। उन डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे फेच कर सकते हैं देखने के लिए भी, डाउनलोड करने के लिए भी, एज वेल एज किसी फॉर्म में अप्लाई करना है तो अपलोड करने के लिए भी। और साथ ही अगर कभी कोई इशू होता है डॉक्यूमेंट तो आपके इशू डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में आएंगे जो आप उमंग से डायरेक्टली देख सकते हैं। ये मिस्टर गोविंद आहूजा है, ही इज आस्किंग हाउ इट हेल्प्स स्टूडेंट। तो मैंने स्टूडेंट के बारे में भी बताया, बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप सिर्फ जो हमारा सर्च वाला एरिया है वहां पर स्टूडेंट टाइप करिए और उसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी स्टूडेंट। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा खासतौर से, बिकॉज NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये एक बहुत ही यूजफुल सर्विस है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये MHRD का एक इनिशिएटिव है जहां पर बड़े बड़े पब्लिकेशंस के साथ में टाई अप करके बहुत सारे लर्निंग रिसोर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाए गए हैं, जिसमें बुक्स हैं, वीडियो ऑडियो लेक्चर्स हैं, आपका क्वेश्चनर्स, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हैं, जो कि प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक अवेलेबल है और करीब लैक्स के अंदर कंटेंट अवेलेबल है एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो प्लीज यूज NDLI थ्रू उमंग। इसके अलावा यूटिलिटी सर्विसेज बहुत सारी हैं, जैसे कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, गैस बुकिंग है, टैक्स पेमेंट है, पासपोर्ट का क्वेरी कर सकते हैं,
और CISF की एयरपोर्ट पे अगर कोई आपका सामान खो जाए या कोई मिल जाए तो लॉस्ट एंड फाउंड सर्विस है, जो आप यहाँ पर स्टिकर भी देख सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की जो सर्विस है, जैसे बच्चे कुछ खो जाते हैं उनकी रिपोर्टिंग पॉसिबल है, जो हमारे डिस्ट्रेस चिल्ड्रन हैं उनकी रिपोर्टिंग की जा सकती है, चाइल्ड लाइन की सर्विसेज हैं। इसके अलावा जो कंज्यूमर अफेयर की क्या सर्विसेज हैं, सपोज हम कुछ मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसके बारे में कैसे कंप्लेंट की जा सकती है? कंज्यूमर अफेयर की सर्विस भी इसके ऊपर अवेलेबल है। ये एक बड़ी आम समस्या है आज की तारीख में कि आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं, आप कोई भी सर्विसेज कंज्यूम करते हैं तो अक्सर आपको शिकायत होती है या तो प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं होता है या सर्विसेज अप टू द मार्क नहीं होती है। सो उमंग के अंदर कंज्यूमर अफेयर्स की सर्विस है जहां पर आप ऑन द फ्लाई वाइल ऑन द मूव आप जो भी आपकी शिकायत है प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड उसकी शिकायत कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कर सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। मिस्टर जहान नार्गो वाला पूछ रहे हैं कि कैन आई पे यूटिलिटी बिल्स थ्रू उमंग। सो आई टोल्ड भारत बिल पेमेंट सिस्टम में करीब 100 बिलर्स हैं जिसके आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, DTH और टेलीकॉम, ये कैटेगरीज अभी हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है। और इसमें आपको एक बात बता दें कि जब हमने उमंग लॉन्च किया था तब 60-70 सर्विसेज थी, आज 100 हैं और आने वाले समय के अंदर करीब करीब सारे बिलर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे। भारत बिल पेमेंट सिस्टम NPCI द्वारा प्रोवाइडेड एक सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटिकली जो भी बिलर्स आते हैं वो ऐड होते रहेंगे और जब भी ऐड होंगे तो उमंग में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आते रहेंगे। मिस्टर भमारदान गाधावी इज आस्किंग आयुष्मान भारत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अगर तो प्लीज लिंक। तो अभी जो आयुष्मान भारत का जो फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसका अप्लाई करने का भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो अप्लाई करने के लिए आपको उनकी वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा। ये पुष्टि साहब डिजीलॉकर क्लाउड सर्विस के बोल रहे हैं कि इन्होंने सुना है कि इट विल बी पेड सर्विस। आई डोंट थिंक दैट एनी सच मूव इज देयर एट दिस टाइम, फ्यूचर में प्रॉब्ली आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसके अलावा जो कस्टमर सपोर्ट है हमारा कि जो सर्विसेज तो मिल जाती हैं, तो व्हाट आर द इश्यूज इन कस्टमर केयर, हाउ गुड इज द कस्टमर केयर, उसके बारे में अमित ये बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, हमें रीच आउट करने के लिए हमने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। उमंग के अंदर ही एक फीडबैक का सेक्शन है जिसमें उमंग कोर जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी फीडबैक दे सकते हैं या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एप्लीकेशन है उसकी कोई सर्विस है उसके बारे में फीडबैक दे सकते हैं। बैकेंड में हमारा मैकेनिज्म है, जो भी आप फीडबैक देते हैं या ग्रीवेंस होता है जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं डिपार्टमेंट को और कंप्लीट ट्रैकिंग में रखते हैं जबकि वो जब तक वो रिजोल्यूशन नहीं हो जाए। पैरेलली आप डिपार्टमेंट को भी अप्रोच कर सकते हैं, नोबडी स्टॉपिंग यू टू अप्रोच द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग सम फेलियर और समथिंग। उसके अलावा हम साथ में एक लाइव चैट का फीचर दिया हुआ है जो 8 to 8, जैसा अनिल जी ने बताया कि 12/7 8 to 8 हमारा लाइव चैट का फीचर है। इसमें हमारे कस्टमर सेंटर एजेंट से आप लाइव चैट पे बात कर सकते हैं, टिकट रेज करवा सकते हैं और उन टिकट को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं और टेकअप करते हैं और ट्रैक करते हैं उस चीज़ को। इस चीज़ में मैं एक कमेंट करना चाहूँगा, आप सभी से ये निवेदन है कि अगर उमंग आपको अच्छा लगता है तो उसको अप्रिशिएट करिए जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। अगर आपको कोई कमी लगती है या कोई शिकायत है तो प्लीज़ कम थ्रू प्रॉपर चैनल विथ ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें और कहीं अगर सुधार की गुंजाइश है तो उसमें सुधार भी ला सकें, बिकॉज अल्टीमेट गोल है कि कंफर्टेबल टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर द सिटीजंस और आप सबके लिए इसको आसान बनाने का गोल है, ऑब्जेक्टिव है। मिस्टर विजयानंद मोहंती ही इज आस्किंग अनदर इन्फॉर्मेशन नीड, इज देयर एनी SOP ऑन ग्रीवेंस एस्केलेशन, मींस मे आई चेक माय ग्रीवेंस स्टेटस एंड एक्शन टेकन विद अथॉरिटी एंड टाइमलाइन ऑफ रिजॉल्व। तो मोहंती जी, जैसे मैंने बताया कि हमने CP Grams जो पोर्टल है सरकार का ग्रीवेंस रिड्रेसल का, उसको हमने इंटीग्रेट किया है, तो उसमें वेल डिफाइंड प्रोसीजर है। जब आप कंप्लेंट करेंगे आपका email ID मोबाइल नंबर लिया जाता है और जैसे ही कंप्लेंट आपकी रिजॉल्व होती है आपको SMS भी भेजा जाता है और आपको ईमेल भी भेजा जाता है। और इफ यू फील कि आपका इन फ्यू डेज आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुई, यू कैन फर्दर कंप्लेंट अगेंस्ट द सेम रेफरेंस नंबर और आपको प्रॉपर टाइम बाउंड तरीके से उसका जवाब दिया जाता है। EPF सर्विस के बारे में डिस्कस करने के लिए एक बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, वापस कर लेते हैं। EPFO की सर्विस हमारी, उसमें आप पासबुक देख सकते हैं, पहले तो लॉग इन करना पड़ेगा अपने UAN नंबर से और आपके जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, उसमें लॉग इन करने के बाद आप व्यू पासबुक कर सकते हैं, क्लेम रेज कर सकते हैं और साथ ही अगर किसी का रेज क्लेम करना और अगर आधार सीडेड नहीं है जो कि एक प्री रिक्विजिट है रेज क्लेम के लिए, तो आप अपने आधार को सीड कराना पड़ेगा, उसके लिए EKYC सर्विसेज है।
ई केवाईसी सर्विसेज के अंदर जाके आप ये कर सकते हैं, और जो ईपीएफओ के सेंटर से वो लोकेट कर सकते हैं। फिर पेंशन वाला, पेंशन जैसे पीएफ का पासबुक देख सकते हैं, वैसे ही पेंशन के पासबुक को भी देख सकते हैं। कुछ सर्विसेज हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे प्ले स्टोर पे कमेंट्स मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, वो हम ऑलरेडी ईपीएफओ के साथ टेकअप किया हुआ हम लोगों ने, जो कि आगे और फर्दर यूजर फ्रेंडली बनाएगा सर्विसेज को और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो हम जल्दी ले आएंगे। इसमें एक सवाल दीपक यादव जी का और कुछ और लोगों का आ रहा था पैन से रिलेटेड। सो पैन के अंदर करंटली कई ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, और मेरे ख्याल से कुछ एक ऑप्शंस कुछ समय में अवेलेबल होंगे। इसमें आप जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म्स वगैरह फिलअप करके फिजिकली भी जमा कर सकते हैं, और उनकी डिटेल्स आपको ऐप में ही मिल जाएगी, आपके नियरेस्ट जो भी पैन सेंटर्स वगैरह हैं। इसके अलावा ई केवाईसी करके ऑनलाइन भी इसको कर पाएंगे। मेरे ख्याल से अभी इसमें कुछ थोड़ा सा समय और लगेगा, बट आप कम्प्लीटली ऑनलाइन भी पैन की एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे, और पैन आपके घर के ऊपर जो भी एड्रेस देंगे उस पर डिलीवर होगा। श्रीनिवास पृष्टि इज आस्किंग, उमंग शुड हैव सिंगल साइन ऑन ऐप, करंटली यूजर्स हैव टू लॉग इन विद रेस्पेक्टिव एप्स क्रेडेंशियल्स। मे बी अमित यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। हाँ, एक तो हम ये बता दें कि हमने जब ये शुरुआत की है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत की है। पहला एम हमारा था कि सर्विसेज को सबको ले आए, और सेकेंड एम हमारा है कि हम सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड करें। सिंगल साइन ऑन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के विदिन और एप्लीकेशंस के प्रोवाइड करना थोड़ा चैलेंज है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे हमारे साथ डिपार्टमेंट के साथ सीमलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, जैसे कि भारत गैस के अंदर बुकिंग है वो सीमलेस है, जहाँ पे आपको दोबारा साइन ऑन करने की जरूरत नहीं होती है, और हम इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी कि हम एक बार हमारा जो जो डिपार्टमेंट के साथ में रेडीनेस होती है और ये हम करते हैं, तो सिंगल साइन ऑन भी आगे आने वाले दिनों में हम लेके आएंगे। Mr. Akhilesh Goyal, he is asking, railway platform ticket service should be taken and provision should be made for e-platform ticket. So, Anil, can you elaborate what we are doing on this? Yes, इसके अंदर हम क्रिस के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और जो रेलवे की कुछ इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं लाइक जो नॉन रिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, विच आई बिलीव विल इंक्लूड प्लेटफॉर्म ऑल्सो, दो आई एम नॉट श्योर, बट नॉन रिजर्व टिकटिंग सिस्टम और बाकी और भी जो रेलवे की जो सर्विस है, माई कोच है, इवन ट्रेन लोकेट योर ट्रेन, स्पॉट द ट्रेन सर्विस है इनकी, NTS, ये सारी तीन चार सर्विसेज हैं क्रिस की, रेलवेज की, इसके लिए बातचीत चल रही है, और थोड़े ही समय में ये सर्विस आपको इसमें मिलेगी। करंटली हमने इसका लिंक दिया हुआ है डायरेक्टरी के अंदर, जिसके थ्रू आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सो मिस्टर विक्रमजी दत्ता इज आस्किंग, कैन वी नो गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी और जनरल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लिस्ट? तो विक्रमजीत जी, ये सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपका सजेशन हमने नोट कर लिया है, और ये लिस्ट हम इसमें देखेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, और उनसे लेके उमंग में हम इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि टेक्निकल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं इंडिया के, AICTE की जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, उन सबकी लिस्ट आपको उमंग में मिल जाएगी। कोर्सेज भी मिलेंगे जो अप्रूव्ड कोर्सेज हैं पर्टिकुलर। मैं वापस बोलता हूँ, जितने भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उन सब की लिस्ट आपको मिल जाएगी उमंग के ऊपर, और जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में जो अप्रूव्ड कोर्सेज चल रहे हैं उनकी भी लिस्ट आपको मिलेगी, और जो फैकल्टी डिटेल्स हैं उन पर्टिकुलर कोर्सेज की वो भी आप उमंग पे पा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अभी 325 सर्विसेज हैं, मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ फिर से कि नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में हम 800 सर्विस और लेके आना चाहते हैं इसमें, और जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज जो इमिनेंटली आने वाली हैं, जैसे समीर है फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके थ्रू आप एयर पॉल्यूशन की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और ई कोर्ट सर्विसेज हैं, दूरदर्शन की जो हमारी आर्काइव वाली वीडियोस हैं वो कर सकते हैं, ये हम लाने वाले हैं। प्लस जैसे मैंने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमारा वॉइस असिस्टेंट सर्विस है फॉर दिव्यांग, और जो हमारे फीचर फोन यूजर्स हैं उनको हम लेकर आना चाहते हैं। और मैं फिर से यह बताना चाहूँगा कि उमंग को डाउनलोड करने के लिए आप 9718397183 पर मिस कॉल दे सकते हैं, या प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या हम एक दो क्वेश्चन और ले सकते हैं अगर कोई इम्पोर्टेंट है? एक का सवाल इस तरह के बार बार आ रहे हैं, जैसे विजय कुमार जी बिहार के लिए, अनिल पवार जी कर्नाटका के लिए, यूपी के लिए विकास सिंह जी, ये सब अलग अलग स्टेट्स की सर्विसेज के लिए पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे यूपी की तो ऑलरेडी ई डिस्ट्रिक्ट की कुछ सर्विसेज का इंटीग्रेशन चालू है, और बहुत जल्दी आपको इसमें मिल जाएंगी। कर्नाटका के लिए हमारी बातचीत शुरू हुई है, प्रॉब्ली इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स और एक दो महीने के अंदर कर्नाटका की सर्विसेज भी आनी चाहिए। इसी तरह से जैसे निर्जय ने शुरू में बताया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है कि भारत के सभी प्रांतों की सर्विसेज इसमें हमें लेके आनी है। सो वेरी सून वी विल गेट ऑल दी सर्विसेज हियर। If you have any specific suggestions for any specific service, please feel free.
and do drop us a mail or call us on our call center to let us know what is your suggestions and requirements. Ek suggestion hai, EPFO rejection reason is not available. So hum log karwa denge EPFO department ke sath baat karke. Aur next time jab rejections honge to koshish karenge ki unka reason bhi bataye. So I will like to read out few more queries before we conclude, because I think time is running out and our schedule was 3 to 4. So Mr. Karthik Saini, he is asking anything for the option of internship and the available job option for the youth and students. So ye jo hum umang mein service provide karte hain, ye government to citizen jo services hoti hain wo provide karte hain, aur youth ke liye ek pradhanmantri kaushal vikas yojana hai jiske through hamare jo youth hain agar usme interested ho to uske through apply kar sakte hain. Mr. Atul Kumar is asking non reserve ticketing system must be included sir. So iske bare mein jo hamari kris ki services hain railway ki uske bare mein Mr. Anil ne already bata diya hai. And Kedarnath Bhandari, Anil, Amit, I think you have already answered. Yeah. Akhilesh Goyal is asking tourist services can be taken like Gir Safari booking, tickets of status of unity, etc. and similar services. So Akhilesh ji, hum pehle important services jo impactful hain, jo jyada demand mein hain, usko target kar rahe hain. Uske baad hum tourism wali services par bhi aayenge. Aur iske alawa jo bahut sare hamare questions aa rahe hain, they are asking about Bihar, West Bengal. To jaise maine pehle hi bataya tha ki hum bahut sare state government department ke sath kaam kar rahe hain aur dheere dheere unke services ko lane ki koshish karenge aur hum aapki jo request hai, jo concerned authorities hain un state government department se, un tak pahuncha denge aur unse request karenge ki ye services jaldi se jaldi hum log umang par lekar aa sake. To friends, hamara jo samay tha 3 to 4 is coming to an end. और मैं ये फिर से बताना चाहूँगा कि आई वेलकम योर क्वेरीज राइट नाउ एंड इवन लेटर ऑन. जिन लोगों की हम क्वेरीज को अभी आंसर नहीं कर पाए हैं, हम फेसबुक के जरिए उनको आंसर करेंगे और आप अपनी क्वेरी हमें बाद में भी भेज सकते हैं. वी आर वेरी हैप्पी टू हैव एन एंगेजमेंट विद यू पीपल. एंड अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-115-246 सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करता है ऑल 7 डेज. तो आप उसमें कभी भी उसमें कॉल करके अपनी क्वेरी का पूछ सकते हैं, चाहे वो सर्विस लाइव हुई है या नहीं लाइव हुई है. वहां पर आपको बताया जाएगा कि कब तक आ जाएगी. और आप हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. और आपकी जो ये सर्विस की जो क्वेरी है या रिक्वेस्ट है कि आप ये सर्विस चाहते हैं बिहार की, चाहते हैं वेस्ट बंगाल की, तो हमारा मेल आईडी है customercare@umang.gov.in. इस पर हमें आप मेल कर सकते हैं. So I think with this we should conclude. So from the National E-Governance Division, Ministry of Electronics and IT, I thank you very much and we conclude this session here. We will be happy to meet you at regular basis, monthly or to bi-monthly basis. Thank you very much. Namaskar. Namaskar. Aap se baat karke bahut acha laga.